दोस्तों, भारत में दीपावली के पास का समय त्योहारों का मौसम कहलाता है। दीपावली से दो तिथि पहले धनतेरस त्योहार पड़ता है। इस दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व रहता है। कहते हैं इस दिन शुभ मुहूर्त पर खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है, इसीलिए इस दिन शुभ मुहूर्त पर ही खरीदारी करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस साल धनतेरस कब है, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त और धनतेरस की कहानी, धनतेरस 2022। दोस्तों, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। दीपावली के 5 दिनों के त्योहार में धनतेरस सबसे पहला और महत्वपूर्ण पर्व है। दोस्तों, धनतेरस कब है? धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यानी 2022 में ये पर्व 23 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, अगर हिंदू पंचांग के अनुसार बात करें तो धनतेरस का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर की शाम 5:44 से शुरू होकर 6:05 तक रहेगा। कुल अवधि 21 मिनट। प्रदोष काल शाम को 5:44 से शुरू होकर 8:16 तक रहेगा। वृषभ काल 6:58 से लेकर 8:54 तक रहेगा। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का भी विधान है। साथ ही धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के अलावा यम देव को भी दीपदान किया जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन का महत्व क्या है? धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी देवतों के वैद्य हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करके लोग अच्छे स्वास्थ्य का वरदान पा सकते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुन्दर से कलश लेकर प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है जब धन्वंतरी प्रकट हुई थी तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। इस दिन खास तौर पर बर्तनों, गहने आदि की खरीदारी शुभ मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई खरीदारी में 13 गुना वृद्धि होती है, इसीलिए खरीदारी को शुभ मुहूर्त में करके भक्त कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धनतेरस के दिन शॉपिंग का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा को घर लाना शुभ माना जाता है। इससे घर, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। धनतेरस के दिन यम देवता की भी पूजा का विधान है। इस दिन यम देवता को दीपदान किया जाता है। इस दिन यम देव की पूजा करने से घर में समय मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। धनतेरस की पूजा विधि क्या है? धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता रानी को और कुबेर भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें रौली, अक्षत, फूल माला आदि अर्पित करें। नैवेद्य में माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान की आरती करें। इससे माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर भक्तों को प्रसन्न होकर सुख समृद्धि और ऐश्वर्या प्रदान करते हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीजों में 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। इस पर्व को धन समृद्धि दायक माना गया है। दरअसल इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के ठीक 2 दिनों के बाद देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। जिस समय भगवान धन्वंतरी आई थी तो उनके हाथ में कलश था, इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। दोस्तों, धनतेरस को साल के शुभ दिनों में से एक माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको विशेष रूप से धन के देवता कुबेर, सुख समृद्धि और वैभव की देवी माता लक्ष्मी तथा देवों के वैद्य धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी से आपको धन संपदा, समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। भगवान धन्वंतरी आपको रोग मुक्त जीवन प्रदान करते हैं तथा कुबेर आपके धन की रक्षा करते हैं। कई लोग इस दिन आभूषण और घर का सामान खरीदते हैं। मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है झाड़ू। दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की प्राचीन परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। और ध्यान रखें कि जब भी आप घर में झाड़ू लाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहेंगी। दूसरी चीज है दोस्तों, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति अवश्य ही खरीदें। इसे शुभ माना गया है। आप गणेश और लक्ष्मी जी की मिट्टी या फिर सोने चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर
बैठी हों और उनके हाथों में धन गिर रहा हो, ऐसी मूर्ति शुभ रहेगी। तीसरी चीज है दोस्तों, गोमती चक्र। दोस्तों गोमती चक्र 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में खरीदना शुभ होता है। ये विष्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र अपने घर जरूर लाएं और दिवाली की पूजा करके इसे अपनी तिजोरी या गले में रख दें या फिर आप गले में धारण करें। चौथी चीज है दोस्तों, धातु का सामान। दोस्तों धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल इत्यादि, इस दिन सोना चांदी खरीदने से भाग्योदय होता है। धातु के बने बर्तन व गहने खरीदने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन धातु का सामान लाने से घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। पांचवी चीज है दोस्तों, मिट्टी के दीपक। दोस्तों दिवाली रोशनी का त्योहार है और दीपक के बिना दिवाली अधूरी होती है, ऐसे में आप धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक जरूर खरीदें। छठी बात है दोस्तों, साबुत धनिया। दोस्तों धनतेरस के दिन साबुत धनिया अवश्य खरीदें, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिये का प्रयोग किया जाता है और लक्ष्मी पूजन के बाद आप इस धनिये को उठाकर अपने घर के गमले में डाल दें। सातवीं चीज है दोस्तों, रुद्राक्ष। दोस्तों धनतेरस के दिन रुद्राक्ष जरूर खरीदें, इससे आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और पूजा के बाद इसे आप अपने गले में धारण करें। आठवीं चीज है दोस्तों, हल्दी की गांठ। दोस्तों धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ भी जरूर खरीदें और इसे माँ लक्ष्मी के पूजन में प्रयोग करें। इसके बाद आप किसी पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ को बांध कर अपने घर की तिजोरी में रखें, इससे बरकत हमेशा बनी रहेगी। नौवीं चीज है दोस्तों, नमक। धनतेरस के दिन नमक का पैकेट जरूर खरीदें और इसे दिवाली के दिन इस्तेमाल भी करें। माना जाता है कि नमक का पैकेट घर लाने से धन की कमी कभी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही दिवाली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा जरूर लगाएं। दसवीं चीज है दोस्तों, कमलगट्टा। दोस्तों धनतेरस के दिन कमलगट्टा जरूर लाएं, ये कमल के फूल का बीज होता है, इससे माला बनाया जाता है और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कम से कम 7 कमलगट्टा जरूर घर लाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में शामिल करें। ग्यारहवीं चीज है दोस्तों, कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर। दोस्तों धनतेरस के दिन कुबेर जी की मूर्ति या फोटो घर जरूर लाएं और उसकी पूजा करें। पूजा के बाद इसे धन स्थान पर या अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें, इससे धन के देवता की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहेगी और आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। बारहवीं चीज है दोस्तों, कौड़ी। दोस्तों कौड़ी 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में घर लाएं, इसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, इसीलिए धनतेरस के दिन घर में कौड़ी जरूर लाएं और दिवाली में पूजा करके फिर इसे लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें, इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। तो ये थी दोस्तों ये चीजें जिन्हें धनतेरस के दिन घर लाने से धन की कमी का अभाव नहीं रहेगा और माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी। तेरहवीं चीज है सोना चांदी। धनतेरस के दिन सोना चांदी के गहने या आभूषण खरीदना सौभाग्यदायक होता है। मान्यता है कि इस दिन सोना चांदी खरीदना सुख और समृद्धि लाता है। धनतेरस और दिवाली का दिन साफ सफाई का होता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। इस दिन आपको घर के अंदर कूड़ा तथा रद्दी नहीं रखनी चाहिए। कूड़ा तथा रद्दी से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो आपके सुख समृद्धि में बाधक बन सकती है। ऐसे में कूड़ा तथा रद्दी को घर से बाहर निकाल दें। साफ सफाई से घर में सकारात्मक तथा शुभता बढ़ती है, परिजन भी स्वस्थ रहते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि धनतेरस और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए इस दिन किसी को रुपये उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। धनतेरस और दिवाली पर घर का मुख्य द्वार भी साफ होना चाहिए। वहां पर भूलवश भी जूता, चप्पल आदि न रखें। वहां किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही आने जाने में कोई अवरोध हो। दोस्तों ऐसी लोक मान्यता है कि देवी लक्ष्मी मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। गंदगी और रुकावट अच्छी नहीं है। वास्तुशास्त्र में भी घर के मुख्य द्वार को महत्वपूर्ण माना गया है, उसे अवरोध मुक्त रखने का सुझाव दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही ज्ञान। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।